नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस पढ़ी थी, जो कि यहाँ पे यू अपॉन क्यू, यू पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट होती है, तो यू अपॉन क्यू बराबर वी के क्यू बाई आर हमारा फॉर्मूला आया था। तो हमने Q यहाँ डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में पहुंचा दिया, तो U बराबर के क्यू अपॉन आर, ये हमारा फॉर्मूला आया था कब, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम क्या पता कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक डायपोल की। डायपोल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों किसी दूरी पर रखे जाते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस जो है 2a होती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर हमने उसको प्लेस किया है। जब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर प्लेस किया है और जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तब हम क्या पता करना चाहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पता करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, हमने आपको बताया है वर्क डन पता कर लो। अगर वर्क डन पता कर लो तो पोटेंशियल एनर्जी पता करना बड़ा ही आसान है, क्योंकि जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हम पता करेंगे वर्क डन, जिस डायरेक्शन में ऑटोमेटिक ये जो है डायपोल मूव करना चाहेगा, जैसे इस तरफ मैंने इसको टिल्ट किया है तो इसका जो नेचर है, नेचुरल इसकी जो धारा है वो इस तरफ ये टिल्ट करना चाहेगा, मुड़ना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है। तो मैं क्या करूंगा, इस पर एक्सटर्नल वर्क अप्लाई करूंगा इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैं इसको एक्सटर्नल वर्क अप्लाई करूंगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जबकि इस पर जो नेचुरल इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या जो टॉर्क लग रहा होगा वो इसको इधर रोटेट करने की कोशिश करेगा। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं क्योंकि ये टू पॉइंट चार्जेस के लिए था। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क है पी क्रॉस ई होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर हो जाएगा। तो नेट टॉर्क हमारा यहां से आएगा, इलेक्ट्रिक जो टॉर्क है इस डायपोल पर लग रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके जस्ट अगेंस्ट डायरेक्शन में हम इसको रोटेट करना चाह रहे हैं। तो हमने इस पे अप्लाई किया और टॉर्क नेट हमारा यहाँ पे जीरो आ गया। थीटा वन से थीटा टू तक इसकी वेरिएबल वैल्यू रखेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या बोला मैंने, छोटी सी वैल्यू अगर हमें पता है और उससे बड़ी वैल्यू पता करनी है तो इनिशियल से फाइनल तक जाने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू थीटा हमने इसको इंटीग्रेट किया है, कहां से कहां तक, थीटा वन से थीटा टू तक हमने इसको इंटीग्रेट किया है। टॉर्क की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, टॉर्क की वैल्यू आएगी पी क्रॉस ई, तो पी क्रॉस ई को लिखेंगे पी ई साइन थीटा डी थीटा, थीटा वन टू थीटा। P और E यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि डायपोल मूवमेंट कांस्टेंट होता है, क्योंकि Q भी नहीं बदलेगा और इसके बीच की दूरी जो है दोनों डायपोल के चार्जेस के बीच की दूरी नहीं बदलेगी, और E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये कांस्टेंट है। ये दोनों यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे। साइन थीटा का बच्चों इंटीग्रेशन होता है विद रेस्पेक्ट टू थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, विद रेस्पेक्ट टू थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पे मैंने इस तरह से इसको लिख दिया पीई माइनस कॉस थीटा, थीटा वन से थीटा टू, तो यहां पे आ जाएगा माइनस को बाहर लिख देंगे तो कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। इस नेगेटिव साइन के साथ इसको अंदर पहुंचाएंगे, माइनस पीई कॉस थीटा टू, माइनस का माइनस रहेगा तो माइनस के साथ इसको फिर से अंदर पहुंचाएंगे तो माइनस पीई कॉस थीटा वन। थीटा वन कोई भी इनिशियल वैल्यू है और यहाँ पे थीटा टू कोई फाइनल वैल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा फाइनल और यहाँ पे कॉस थीटा इनिशियल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये फाइनल माइनस इनिशियल है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस पीई कॉस थीटा, और थीटा कौन सा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पी के बीच में, पी जो है क्या है, डायपोल मूवमेंट, जो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन है इसकी।
नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस साइड जो पी की डायरेक्शन है, इस साइड ई की डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा, ये आपकी फाइनल वैल्यू होगी। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।